तो गाइज मैं सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर आपको आ गया हूँ और यहाँ पर मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, अपने व्यूअर का चैनल ओपन कर लेता हूँ कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करके, उसके थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग ले रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने मैंने एक व्यूअर का चैनल मोनेटाइज करा दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 9 सब्सक्राइबर से चैनल कैसे मोनेटाइज करा है वो जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको क्लोज करना है इसको और उसके बाद यहाँ पर आपको डैक्सबॉट पर क्लिक करना है। डैक्सबॉट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जूम करता हूँ तो ऊपर के साइड में नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्ट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और यहाँ पर भी नीचे नोटिफिकेशन आया वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये देख सकते हो 9 सब्सक्राइबर है ओनली, और कैसे मोनेटाइज करा वो मैं लास्ट बताऊँ आपको। उससे पहले आपको मैं यहाँ पर कॉन्टेंट पर लेकर आता हूँ। कॉन्टेंट पर लेकर मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टेंट पर, कॉन्टेंट पर क्लिक करेगा यहाँ पर आप देख सकते हो सारी वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन ऑफ है और यहाँ पर टोटल 11-12 वीडियोज़ पड़ी है इनके चैनल पर। अब यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। चैनल की सेटिंग जरूर करना है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक किया, चैनल पर मैं क्लिक करता हूँ, चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं नीचे लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी गलती, यहाँ पर अगर आपकी वीडियो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है तो यहाँ पर नो सेट दिस चैनल इज नॉट फॉर मैड फॉर किड, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करना, यस सेट दिस चैनल इज मैड फॉर किड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 18 साल से कम है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से हमें क्या करना है, जूम करना है। अभी मैं ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा लोड ले रहा है ये। अब मैं जूम करता हूँ, नीचे आता हूँ, वापस सेटिंग पे वापस आना है। और यहाँ पर जो बहुत सारे व्यूवर गलती करते हैं, सेटिंग पर आकर मैं क्लिक करता हूँ अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है। आपकी वीडियोस पर व्यूज़ की नहीं आता अब यहाँ से पता चल जाएगा। अब मैं अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है आपको। ठीक है, एडवांस सेटिंग पर आ गया और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी लिखा हुआ साइड में, यहाँ पर अभी रुक जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो ये कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी को चूज नहीं किया है। तो यूट्यूब कैसे आपकी वीडियो का इंप्रेशन किसके पास भेजेगा, यूट्यूब को आपने खुद ही नहीं बता रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना अपने चैनल की। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो मेरे व्यूवर है इनका गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग की कैटेगरी चूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपने गेमिंग की कैटेगरी को चूज कर लिया है, यहाँ पर आपको वापस सेव करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी गेमिंग वाले इंटरेस्टेड है उनके पास ही आपकी वीडियो को भेजेगा यूट्यूब, उसकी आपकी वीडियो का इंप्रेशन उनके पास भेजेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी वीडियोज पर व्यूज कितने कम है, एक ही वीडियोस पर 19,894 व्यूज है गाइस। ठीक है, और एक घंटे की वीडियो है, इस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो सिर्फ एक वीडियो, बाकी सारी वीडियोस पर व्यूज जो है जीरो, मतलब ज्यादा नहीं, 2, 4, 5, 6, 7 इस तरीके का है। अब हमें सारी वीडियोस का पहली बार तो मोनेटाइजेशन ऑन करना है गाइस। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना है। आपको वापस डैक्सबॉट पर मैं लेकर आता हूं। लेकिन यहां पर सब्सक्राइबर जो है मेन, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन 9 सब्सक्राइबर से चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया ये आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने जो है अपने चैनल पर सब्सक्राइबर फेक सब्सक्राइबर लिया था और यहां पर अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, जैसे इनके चैनल पर फेक सब्सक्राइबर 1000 हो गए, इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा। और एक बार आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज देते हो और आपके चैनल डिक्रीज हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, चाहे आपके चैनल पर 2, 4, 5, 10 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसी में 1000 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और यहां पर सब्सक्राइबर इनके डिक्रीज हो गए। अब यहां पर मैं कंटेंट पर वापस लेकर आता हूं। कंटेंट पर लेकर आने के बाद आपको क्या करना है वो आपको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, वीडियोस पर टिक, जो फिल्टर वाले ऑप्शन है इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सारी वीडियो को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद एडिट पर आपको क्लिक करना है। अब मैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां पर मोनेटाइजेशन वाला एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर यस या नो का ऑप्शन आएगा कि आपसे पूछेगा, तो आपको नो मतलब ऑन करना है, सॉरी यहां पर ऑन करना आपकी सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन, और अपडेट पर क्लिक कर देना है। और यहां पर आपको इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहां पर अपडेट्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपडेट्स, अब मैंने क्लिक कर दिया अपडेट्स पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपकी सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट टाइम लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद सारी वीडियोस इनका जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 11 वीडियोस इनकी टोटल है, लेकिन अभी भी ये सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑफ है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबको क्लोज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब सारी वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाता है लेकिन यहाँ पर ऑफ दिखा रहा, तो सबको क्लोज करना है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ, वापस से गूगल क्रोम आके कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करता हूँ। अब कस्टमाइज चैनल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन ऑन होगा। अब मैं वापस से कंटेंट पर आता हूँ, कंटेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हो सारी वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है गाइज। अब यहाँ पर इसमें एक तरीका और है, आपको एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ कि अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की है तो आपको यहाँ पर जैसे कि 1 घंटे की वीडियो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर सारी वीडियो में जो है 3-4 मिनट की, लेकिन 1 घंटे की एक ही वीडियो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की है तो वो आपको हर अपनी वीडियो में जरूर करना है। आपको क्या करना है, यहां पर मैं मोनेटाइजेशन वाले लोगो पर क्लिक करता हूं, ठीक है। मोनेटाइजेशन वाले लोगो पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो मिडरोल ऐड का एक ऑप्शन मिल रहा है गाइस नीचे। आपको सारी वीडियोस का जो है यहां पर मोनेटाइजेशन ऑन रखना है, ठीक है, और ये जो एड्स है उसको भी मतलब ओपन करके रखना है। तो यहां पर आपको बस करना कुछ नहीं, मिडरोल एड्स पर क्लिक करना है। तो यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूं, उसके बाद आप लोग देखना है कि कैसे क्या करना है। मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर आपकी 1 घंटे की वीडियो है तो यहाँ पर आप कितने मिडरोल ऐड लगा सकते हो, तो कम से कम आप 7-8 मिडरोल ऐड लगा सकते हो क्योंकि आपकी 1 घंटे की वीडियो है। अगर आपकी 8 मिनट तक की वीडियो है तो आप 2 या 3 मिडरोल ऐड लगा सकते हो, इससे आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने वीडियो का जो ऐड है उसको ऑन नहीं करते, सारी वीडियोज़ का ऑन ऐड जो है ऑन कर देना चाहिए, इससे आप ही को फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैं सारे वीडियोज़ का जो है अपने 1 घंटे वाली वीडियोज़ का जो है मिडरोल ऐड लगाकर ये लगा दिया मैंने आपके सामने, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस पर मिडरोल ऐड लगाने के बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं इसको यहाँ से भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपका ये पहला जो 2 स्टेप है वो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी हर वीडियो में इस तरीके से मिडरोल ऐड लगाना है। अब बैक आ जाता हूँ वापस से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक काम हमारा लास्ट रह गया है, आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एड्स ऑन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस पर टिक करना है आपको, मतलब कि क्लिक करना है, टर्न ऑन एड्स लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको मोनेटाइज ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमें बस इस पर टिक कर देना है, सारी हमारा जो है एड्स ऑन हो जाएगा, हमारे सारे वीडियोस पर ऐड लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब लास्ट जो काम करना है हमें यहाँ पर सुपर्स पर क्लिक करना है। सुपर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। ये पेड फ्यूचर है यूट्यूब की तरफ से, आपको जैसे सुपर चैट सुपर स्टिकर मिलता है, मतलब कि बहुत सारे लोग देते हैं जब लाइव जाते हो तो यहाँ पर आपकी अर्निंग होती है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पहले तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अपने व्यूवर का, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल का ईमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का ईमेल आईडी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी नेम क्या डालोगे, ठीक है, यहाँ लिखा ना योर कंपनी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कैपिटल में एन लिखना है, उसके बाद स्लैश लिखना है और उसके बाद ए लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ये हमारा कंपनी नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक कर देना है, और यहाँ पर जैसे मैं टिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। एक्सेप्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है ये पेड फीचर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद देख सकते हो सुपर चैट सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स अनेबल हो चुका है। इससे हमें ये फायदा होगा जब हम लाइव जाएंगे तो बहुत सारे लोग सुपर चैट सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जिससे हमारी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी तरीके से आपको अपने चैनल की सेटिंग करना है।